शंकर बामनिया सीमेचो उदयपुर। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आम जन से अपील करना चाहता हूँ, इस समय उदयपुर ज़िले में मलेरिया और डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। रोज़ाना हमें डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मौसमी बीमारियाँ बरसात जनित रोग हैं और ये जो रोग हो रहे हैं विशेष तौर से मच्छर की वजह से होते हैं। मलेरिया दो तरह का होता है, सामान्य मलेरिया और गंभीर मलेरिया, और ये दोनों मलेरिया एक मच्छर की वजह से होते हैं, डेंगू भी मच्छर की वजह से होते हैं। तो ये मच्छर कहाँ से आता है ये हमें देखना पड़ेगा। हम आज की तारीख में देखें, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की पूरा मेडिकल टीम घर घर दस्तक दे रही है, और घर घर दस्तक दे रही है तो प्रत्येक घर में हमें जो पानी के पात्र हैं, पानी के पात्र गमला हो सकता है, वहाँ पे नारियल के खोखे हो सकते हैं, वहाँ पे ट्रे हो सकती है, कूलर हो सकता है, परिंडे हो सकते हैं, केनस्को हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें कबाड़ की जो ऊपर छत पे पड़ी है और उस छत पे चीज़ में पानी भरा हुआ, उस पानी भरे हुए हम देखते हैं तो छोटे छोटे कीड़े हैं। वो कीड़े ये क्या है, मच्छर अंडे देता है, अंडे देने के बाद लार्वा निकलता है, वो लार्वा अगले 5 से 7 दिन में मच्छर बन जाता है, वही मच्छर फिर हमको भाइट करता है घर में, फिर डेंगू मलेरिया होने की संभावना पूरी बन जाती है। आज की तारीख में उदयपुर ज़िले में कम से 217 से ज़्यादा तो हमारे पास अभी डेंगू के केसेस थे, 112 से ज़्यादा मलेरिया के केसेस थे। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट केस अर्बन क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा केस मल्ला तालाई हर्षनगर उस गांधीनगर इलाके में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो गिरवा है गोबुंदा के क्षेत्र में। तो उन मच्छरों को, उन लार्वाओं को कैसे हम खत्म करें, उसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य दल हमारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में दस्तक देख रहा है, घर घर जा रहा है। अभी स्वास्थ्य दल आपके द्वार ये अभियान चल रहा है, डेंगू मलेरिया को वार के लिए हर रविवार को हम सुखा दिवस मनाते हैं। आम पब्लिक को हम कहना चाहते हैं कि आप परिवार में रहते हैं, घर पर रहते हैं, हर रविवार आप इच्छा अनुसार रविवार रख सकते हैं, दूसरा दिन हर 7 दिन में आपके घर में जो पानी के पात्र हैं उन पात्रों को एक बार खाली कर दें, तो मच्छर बनने की, अंडे से लार्वा मच्छर बनने की 7 दिन की साइकिल वो खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे मच्छर नहीं रहेंगे, लार्वा नहीं रहेंगे, मलेरिया डेंगू होने की संभावना घट जाएगी। अगर किसी के घर में अगर मलेरिया या डेंगू की वजह से बुखार आ रहा है तो तुरंत प्रभाव नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी जांच कराएं, जांच करें मलेरिया डेंगू है तो इलाज कराएं। अगर ये रिपोर्ट हमें मिलती है पॉजिटिव मलेरिया डेंगू की, तो हमारी टीम उस घर पे जाती, उस घर पे जाके 4 तरह की गतिविधियाँ करती। सबसे पहले देखते उस घर में लार्वा है कि नहीं, एंटी लार्वल एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी में सारे पात्रों को खाली करवा देते हैं, घंबुचे ऑफिस हमारे जो बायोलॉजी कंट्रोल पर वहाँ उनका रखवा देते हैं, एंटी एडल्ट में मच्छर हैं उसके फोकल स्प्रे होता है पारे में वहाँ करवाते हैं। इसके बाद ऐसी गतिविधियाँ उस घर के चारों ओर 50 घरों में हमारी टीम जाती, सर्वे करती, उनको समझाइश करती, उन घरों में जहाँ पात्र लार्वा मिल को खाली करा देती है और कहीं बुखार का केसेज मिला उसकी स्लाइड लेके हम उसकी जांच कर रहे हैं। इस तरह से गतिविधियाँ मेडिकल स्वास्थ्य विभाग तो कर रहा है, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे आमजन को अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घर में इस तरह के देख लें, आपके घर में कोई भी पात्र हो सकता है, गमले आपके घर में पड़े रहते हैं, आपके पास में ट्रे, आपके पास में कूलर है, आपके पास में कबाड़ का कोई सामान छत पे पड़ा होगा, आपके पास कोई टंकी होगी, आपके पास में कोई भी ऐसा पात्र है जिसमें 7 दिन से ज़्यादा अगर पानी भरा है उसमें देखें कीड़े नजर आएंगे, वो कीड़े नहीं वो लार्वा है, लार्वा मच्छर बनेंगे, मच्छर होंगे तो आपको काटेंगे। ऐसी स्थिति में आमजन से आप तो एक तो एंटी लार्वल एक्टिविटी खुद कर सकते हैं, दूसरा आप जालीदार खिड़कियाँ रखें, बच्चे घर में उनकी सावधानी के लिए पूरे आस्तीन के कपड़े पहने ताकि ये मच्छर आपको नहीं काटें, मलेरिया नहीं हो, प्रभावी रोकथाम नियंत्रण किया जा सके।